हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी अभी सनराइज़ हो रहा है बिडवेलिंग में और आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है दोस्तों। देखिए, सनराइज़ वहाँ से रहेगा और टेक ऑफ पॉइंट हमारा यहाँ पर है। लैंडिंग साइट से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हूँ, तो लैंडिंग से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हूँ अभी। और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला HPSCA के ग्राउंड में, जहां पर वर्ल्ड कप के 5 मैच हो रहे हैं, अहम मैच। तो आज हमने करनी है धर्मशाला से पैराग्लाइडिंग और धर्मशाला ग्राउंड में करना है लैंड। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। स्पेशल HPSCA से गाड़ी आई हुई है HP01D6582। सुबह ही पहुँच गई है गाड़ी हमारे पास, तो अभी इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे धर्मशाला और वहाँ पर हमारे पायलट्स करेंगे फ्लाई, टेक ऑफ करेंगे ऊपर से। और स्टेडियम में आज हमने इंडियन फ्लैग या तो फिर वर्ल्ड कप का डेमो ट्रॉफी को वहाँ पर लैंड करवाना है। सारे के सारे कैमरे की नज़र हमारे ऊपर ही होगी आज। तो दोस्तों, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं धर्मशाला की और जाने के लिए बिल्कुल तैयार। लगभग हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे HPSCA के ग्राउंड में। वहां पर पहले होगा हमारा ब्रेकफास्ट, उसके बाद भेजेंगे हम अपने पायलट्स को इंद्रुनाग टेक ऑफ की तरफ। उससे भी ऊपर जाना पड़ेगा पैदल थोड़ा, क्योंकि HPSCA का ग्राउंड बहुत ही दूर है। तो आगे आगे होता है क्या। अभी हम जा रहे हैं वेट से धर्मशाला की ओर। ये हमारे बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फिंको जी। चार्जर है बड़के मेरे वाली ताए तो बोली कर दे। हाँ तो बस फिर क्या टेंशन है, खोप चाहिए है, लीड है, खोप चाहे मेरी गड्डी हो थारा पहले बोली हम दे तुसे। तेरा ना पार भी टाइम लगना पड़ा है, मुझे थोड़ी देर लगाए रखना। कुछ भी गया भाई, इस गड्डी ड्राइवर हम दे दिन दिन फीस है और पीछे मुड़ा छाटो का दिल की दिया अभी को यार हार्ट लिया था ते फिर उन्नी अपना सामान समून रख के ले ही होना अगला बंदा आया नहीं। हां रोज इस रात लगता तो सर हाथे चले आंदा, फिर यही चीज है बंदे सोच चल रही थी यूज कर लंदा हो सही यूज करने के बहाने गड्डी फिक्स हो जाता। क्यों लाई लामा दरो ना जाना ताशी जाऊं। हाँ जी पिंकू भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं भाई, अभी तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सीधा ही HPSCA के ग्राउंड में कहेंगे मतलब आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई के साथ बात होगी अब सीधा ही ग्राउंड में दोस्तों। वहां पर अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेटर ही खेला करते हैं, लेकिन आज उड़ान भरेंगे हमारे बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की टीम। आज के दिन के लिए उस ग्राउंड में कब्जा है हमारा। तो अभी इतना ही, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम धर्मशाला। दुकान ना खुले, सनराइज भी हो चुका है पूरी तरह से, देखिए और आसमान बिल्कुल ही साफ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ पर घूमने के लिए और ये दिख रहे हैं धौलाधार पहाड़ पीछे। सुन किए रे पहाड़ रहा बुरे मा क्यों अब भर ना बुरे ले पर मंगाड़ा पीछे जोतो भैया बर्फ। हाँ मतलब
लास्ट था जो भी है कि दिवाली का रास्ता की जो भी था ना करे एक्चुअली आज धर्मशाला के धौलाधार पहाड़ दिखेंगे बिल्कुल क्लियर। हेलो हेलो रोड लाइट था बोर्ड लाइट था खूबसूरती से भरा हुआ धर्मशाला केवल बंदा अपनी इच्छा के पास दिखता है क्या मजा आ रहा होगा और क्या होगा नहीं कोई ये तो सारे तो हिंदी आड़ी में गोपालपुर पहुंचने वाले हैं ना थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम थोड़ी देर में गोपालपुर जू छोटा सा चिड़ियाघर है यहाँ पे फिर गोपालपुर से रहेगा धर्मशाला कितना किलोमीटर है साजे भी भाई तक भाई गोपालपुर के बाद धर्मशाला रह जाएगा 20 किलोमीटर लगभग पहुंच जाएंगे हम 40 मिनट के अंदर HPCA के स्टेडियम में आ जाए क्या ना लामपुरा आ जाए वो तो जगह बोल ला 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 में होना जे ताशी जाओ अच्छा ताशी जाओ लग रहा है दलाई देखो ना क्या गाचो रे बच्चे आ जाए ना देखो थल्ले गड़ पर रहन दे वो ना रे बाबा है थल्ले क्यों कॉलोनी है ना थी कॉलोनी है थी भी बढ़िया बढ़ रही वहां ये दोस्तों जो अरे भाई इतने बंदे रे ये लगाने खादे इस ओ नहीं यार अभी अभी सूचना मिली है कि दलाई लामा जी तिब्बतियन धर्म गुरु दलाई लामा जी आ रहे हैं आज आ क्या रहे हैं पहुंच ही गए हैं यहाँ पे हमारी HP पुलिस पूरी सेफ्टी दे रही है उनको देखिए और दलाई लामा जी के दर्शन हो गए जय हो फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं कई कमांडो उनके साथ जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए आज फर्स्ट टाइम हमें उनके दर्शन हो गए लाइफ में दोस्तों और इस ब्लॉग के जरिए आपको भी दलाई लामा जी के दर्शन हो गए मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो चेहरा दिखा है और उनके स्वागत में खड़े हैं तिब्बतियन बच्चे स्कूल के पूरा काफिला चल रहा बिंकू भाई क्यों भयंकर ही फैन फॉलोइंग है रे सिर्फ क्या बोलते नहीं हाँ पूरे वर्ल्ड में जो बहुत धर्म है ही शांति का प्रतीक है बहुत धर्म दर्शांता ही शांति है तो स्टार्ट हुआ बहुत धर्म इंडिया से ही ना है तो हमारा ही धर्म है इंडिया फॉलो नहीं किया है बाद में फॉलो नहीं किया इन्होंने अपना लिया और क्या चक्कर है तो हमारे ये जो बहुत धर्म ना एक बंदे ने निकाला हुआ है अपने मतलब मोक्ष के उसमें जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है ना उस बंदे ने निकाला हुआ है उस टाइम में मतलब वो राजा का बच्चा क्या बस लाइटली बंदे ने लिया बंदा गया 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 वहां में सिद्धि प्राप्त की जहाँ जहाँ गया वहां वहां भी उसके भक्त बनते गए मठ बनते गए और मठ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना इंडिया में तब नहीं है क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ से गया वो बंदा चला गया फिर भ्रमण करता रहा पर है तो हमारा ही यार भाई हिंदू था यार वो सनातन धर्म तो भाई नंबर वन है मतलब हमारे निकली हुई शाखाएं हैं ये सनातन धर्म की निकली हुई शाखाएं हैं ये पर चलो आप जो फॉलो कर रहे हैं भाई क्यों इन्होंने इसको नाम दिया यार धर्म का अदरवाइज उसमें एक बंदे की वो थी कि अपनी अपनी एक सोच होती है तो अभी हम गोपालपुर में थोड़ा चाय पानी पीने के लिए रुक गए हैं बहुत ही फेमस ढाबा है ये चाय के लिए या लेमन सोडा के लिए पकोड़े के लिए तो अभी हम गोपालपुर धर्मशाला से 20 किलोमीटर पीछे और ये धर्मशाला के धौलाधार पहाड़
ये क्लियर दिखेंगे HPCL के ग्राउंड से, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। तो अब सीधा मुलाकात होती है दोस्तों ग्राउंड में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं श्री चामुंडा देवी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, धर्मशाला से थोड़ा सा पीछे है, दिखाऊंगा मैं आपको छोटी सी झलक। लगभग 15 मिनट में हम धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। धर्मशाला तो मिलते टूटर अच्छे। ये चामुंडा देवी के पीछे प्रसाद की छोटी छोटी दुकान है और ये एंट्री यहाँ से दोस्तों, ये देखिए मुख्य द्वार, यहाँ से छोटी सी झलक दिखेगी मंदिर की। आजकल मेला भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये नीचे यहाँ पर मंदिर है, इतना क्लियर नहीं दिखेगा यहाँ से, लेकिन ये लोकेशन है श्री चामुंडा देवी जी की। अब मिलेंगे सीधे ही ग्राउंड में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं KK स्टेडियम में, HPCL के इकलौता स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, और इस बार लगभग 5 मैच हो रहे हैं यहां पर। और आपको पता ही होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 22 अक्टूबर को मैच है यहाँ पर। तो यही मोड़ काट रहे हैं, देखिए वो स्टेडियम बिल्कुल इस पहाड़ के ऊपर है दोस्तों, इस पहाड़ के अपोजिट HPCL का क्रिकेट स्टेडियम। हम धन्यवाद करते हैं अनुराग ठाकुर जी का, उनका सपना था यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम बने और उन्होंने बना के रखा, और आज की डेट में यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच हो रहे हैं, IPL के मैच हो रहे हैं, T20 के वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, इस बार ODI का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो 5 मैच हो रहे हैं दोस्तों। ये बाउंड्री धर्मशाला स्टेडियम की, कुछ ही देर में स्टेडियम के अंदर जाने वाले हैं और पैराग्लाइडिंग करने के लिए। पूरी तैयारियां चल रही है दोस्तों वर्ल्ड कप के मैच की। यहाँ से एंट्री होगी जब आप वर्ल्ड कप के मैच देखने आएंगे, और अभी जोर शोर से काम चला हुआ स्टेडियम का। तो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल स्टेडियम के बाहर फाइनली, और ये हमारे बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पिंकू जी, और ये स्टेडियम। नाम क्या आपका? मोबाइल नंबर बोलना। अभी स्टेडियम का जोर शोर से काम चला हुआ है, कुछ ही देर में दिखाऊंगा मैं आपको ग्राउंड। तो आज हम यहाँ पर अपना इंडिया का फ्लैग और डेमो ट्रॉफी फ्लाइंग करके यहाँ पर लैंड करवाएंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ HPCL के ग्राउंड में, धर्मशाला में दोस्तों। दिखाता हूँ मैं आपको स्टेडियम में जाके धौलाधार पहाड़ और ग्राउंड। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और जा रहे हैं हम अभी स्टेडियम के अंदर। काम जोर शोर से चला हुआ है और यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड भी है, जहाँ पर प्लेयर ग्राउंड में घुसने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, ये नीचे वाला। बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैच होने वाला है, तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप के
ट्रायल मैच स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री और खेल मंत्री मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने इस स्टेडियम बनाने का सपना देखा था और आज इसी स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहे हैं दोस्तों। आज ये बहुत ही बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है और कुछ ही सेकंड में आपको दर्शन होने वाले हैं क्राउन के, जहां पर इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप के 5 मैच खेले जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और ये बाउंड्री और ये ग्राउंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने पंकज जी खेलते, सुरेश जी जब भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो प्लेयर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, ये लगे हुए प्लेयर्स के सोफे और यहीं से जब कोई भी प्लेयर आउट होता है तो वो अंदर की तरफ यहाँ आता है और जो खेलने के लिए जाता है वो यहीं से होके जाता है दोस्तों। तो ये रहा एच पी सी ए का ग्राउंड, इकलौता ग्राउंड और ये सीटिंग कैपेसिटी। एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको, लगभग 30,000 ऑडियंस यहाँ पर बैठ सकती है मैच देखने के लिए। और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बोर्ड भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब पूरी सजावट स्टार्ट होने वाली है और अब कुछ ही देर में हम निकलेंगे टेक ऑफ के लिए और दिखाएंगे आपको पैराग्लाइडिंग, जिसमें आएगा हमारा देश का तिरंगा और ओडीआई वर्ल्ड कप का डेमो ट्रॉफी। तो आपको थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग। मैं जा रहा हूँ HPCI के ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स लगे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर, दिखाऊंगा आपको छोटी छोटी झलकियाँ। ये देखिए वुमेन अंडर 23 जोनल, रणजी ट्रॉफी चैंपियंस सुषमा वर्मा, नीना चौधरी। मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। ये हमारे हिमाचल के चैंप ऋषि धवन, निखिल, ये सारे हमारे हिमाचल के सेलिब्रिटी। और ये स्टेडियम की कुछ तस्वीरें और ये वार्नर नहीं ऑस्ट्रेलिया के घातक बॉलर्स जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, शेन वॉर्न। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर और धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। अभी भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मेमोरी दिखाऊंगा मैं आपको। ये इंडिया टीम देख सकते हो, इसमें आपको धोनी भी दिखेंगे, हरभजन सिंह, थप्पा, श्री संत, वीरेंद्र सहवाग,
यूसुफ पठान, इरफान पठान, रोहित शर्मा, T20 का फोटो लग रहा है ये, और ये युवराज सिंह, युवराज सिंह और ये आरपी सिंह एंड इरफान पठान पूरे जोश में है। ये हमारे गौतम गंभीर किसी टाइम ओपनिंग करते थे इंडिया टीम की, और ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी जब उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे, इनका स्टार्टिंग का फोटो है ये, और ये T20 चैंपियन 2007 इंडिया टीम युवराज सिंह, कुछ ओल्ड मेमोरी। तो ये ड्रेसिंग रूम, जब भी क्रिकेटर यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए ड्रेसिंग रूम रहता है दोस्तों। तो ये दिखाया मैंने आपको ड्रेसिंग रूम, स्टेडियम का आपको ग्राउंड भी दिखा दिया, ODI वर्ल्ड कप की सजावट स्टार्ट भी हो चुकी है HPCA के ग्राउंड में, और ये स्पॉन्सर्स ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर, जब मैन ऑफ द मैच मिलती है मैच खत्म होने के बाद, तो इस तरह का पीछे एकदम लगा होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे हम टेक ऑफ, और करेंगे वहाँ से पैराग्लाइडिंग, लैंडिंग हमारी यहाँ पर ही रहेगी ग्राउंड में। तो अब दिखाएंगे आपको वीडियो पैराग्लाइडिंग की, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अभी मैं एक फ्लोर ऊपर आया हूँ, नीचे इतना क्लियर नहीं दिख रहा था स्टेडियम, और स्काई बिल्कुल ब्लू दोस्तों। एक छोटा सा क्लिप स्टेडियम के नाम HPCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, जो कि धौलाधार की पहाड़ियों के बीच में, यहाँ पर लगभग 30,000 लोगों के लिए कैपेसिटी है मैच के दौरान, और ये लाइट है जो नाइट में यूज की जाती है, ब्यूटीफुल। यहीं पर ही लैंड करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। और ये धौलाधार पहाड़ आजकल इतना बर्फ नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल सूखे हैं पहाड़, ड्राई माउंटेन। कुछ ही टाइम के बाद ये बिल्कुल वाइट चादर में आ जाएंगे, क्योंकि अब स्नोफॉल होने वाला है अक्टूबर टाइम। तो अब दिखाएंगे आपको पैराग्लाइडिंग। हेलो, HPCA का इंटरनेशनल स्टेडियम, हमारे चैंप जा रहे हैं टेक ऑफ के लिए, मिस्टर अमित एंड मिस्टर यशव। तो ये लगभग एक घंटे के बाद अभी लैंड करेंगे, ट्रायल फ्लाइंग के लिए अभी जा रहे हैं ये, तो कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हमारे देश का तिरंगा लेके और HPCA का फ्लैग लेके, तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके भाइयों, ऑल द बेस्ट। ओके, तो मिलेंगे कुछ देर के बाद। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पायलट्स टेक ऑफ की तरफ रवाना हो चुके थे, तो अभी उन्होंने लॉन्च कर लिया है, और लगभग 8-10 मिनट में वो लैंडिंग करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस लोकेशन में लैंड करेंगे, HPCA के ग्राउंड में,
हिमाचल का ही एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं, जैसे ODI के, T20, IPL, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर खेले जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो 8-10 मिनट के बाद ही मैं आपको यहाँ पर उनकी लैंडिंग अप्रोच दिखाऊंगा और यहाँ पर लैंड करते हुए दिखाऊंगा। वो एक HPCA का फ्लैग लेकर गया है एक पैराग्लाइडर, और दूसरा पैराग्लाइडर में हमारा देश का तिरंगा है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में लैंडिंग। अभी कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है और मौसम बिल्कुल ही साफ, ब्लू स्काई। चलो थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको लैंडिंग। अब वो लैंडिंग की ओर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पैराग्लाइडर बिल्कुल ही ग्राउंड के ऊपर है, HPCA के ग्राउंड के ऊपर, और कुछ ही देर में ये लैंड करेंगे यहाँ पर। एक पैराग्लाइडर में है तिरंगा और दूसरे पैराग्लाइडर में है HPCA का फ्लैग। ये दूसरा पैराग्लाइडर, अब इनकी बहुत ज़्यादा हाइट है तो बिल्कुल ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अब इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे पहुंच जाएंगे ये, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इनका दिखाऊंगा लैंडिंग अप्रोच। तो थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे पैराग्लाइडर लास्ट अप्रोच में पहुंचने ही वाले हैं, अब दोनों ही इकट्ठे लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ये HPCA का फ्लैग, जो कि आपको पैराग्लाइडर के साथ दिख रहा है लहराता हुआ, और हमारे देश की शान तिरंगा इस पैराग्लाइडर में लैंडिंग अप्रोच के बिल्कुल ही नज़दीक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये अप्रोच बन रही है हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला से। अब दोनों ही अप्रोच बना रहे हैं, इकट्ठे लैंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वेट बेलिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जा रहे हैं हम धर्मशाला HPCA के ग्राउंड में, तो ये है वो HPCA का ग्राउंड दोस्तों। यहाँ पर हो रहे हैं मेंस ODI वर्ल्ड कप के, क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच, जिसमें से इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है 22 अक्टूबर। तो बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट, शायद अभी तक तो लॉन्च नहीं हुई है टिकटें, लेकिन यहीं पर ही मैच होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और जोर शोर से काम चला हुआ अभी स्टेडियम का, देख सकते हो आप कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं वर्ल्ड कप के 2023 के, और ग्राउंड को प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है ताकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बंदों को मज़ा आए मैच देखने का और खेलने वालों को मज़ा आए, तो इस तरीके का माहौल है दोस्तों। और आज हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें हम अपना एक देश का तिरंगा रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और एक HPCA का फ्लैग। तो थोड़ी ही देर में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर आने वाली है दोस्तों, तो एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाएंगे हमारे पायलट के ऊपर। तो अगला वीडियो हम आपको उस टाइम दिखाएंगे जब ट्रॉफी यहाँ पर आ जाएगी। ओके बाय बाय। तो फाइनली हमारे पायलट्स लैंड कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यशी? ये बहुत ही बढ़िया, नाइस। और ये हमारे शिवजीत जिन्होंने HPCA का फ्लैग लाया, और ये हमारे शिवजीत देख सकते हो, कैसा रहा भाई? मजा भाई, बहुत बढ़िया। ये BPA के चैंप पायलट, नाइस। तो अभी हम ग्राउंड के अंदर आए थे अपने लैंडिंग के लिए, तो अभी पायलट्स लैंड कर चुके हैं बहुत अच्छे से, और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत सही रहा, बहुत खुश हैं। बिल्कुल ही लास्ट अप्रोचिंग में स्टेडियम के ग्राउंड के बिल्कुल ही ऊपर
लगता है कि लास्ट 3 या 4 मिनट बस 3-4 मिनट के अंदर अंदर ये लैंड कर जाएंगे। अब पैराग्लाइडर्स बिल्कुल क्लियर दिखते हुए दोस्तों, और आज इतिहास बनने वाला है। HPCA के ग्राउंड में फर्स्ट टाइम लैंड हो रहा है, वो कर रहे हैं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पायलट्स, सारा ऑर्गेनाइज बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने किया हुआ है ये। तो बहुत ही खूबसूरत अप्रोच बना रहे हैं ये दोनों पायलट्स। ये हमारे चैम पायलट हैं, इनके नाम मैं बता दूँ आपको, मिस्टर यशु जो जेनो में फ्लाइंग कर रहे हैं इस पैराग्लाइडर में, और मिस्टर शिवजीत, इनके साथ है HPCA का फ्लैग जो HPCA के फ्लैग के साथ फ्लाइंग कर रहे हैं, और पायलट यशु के पास है इंडियन फ्लैग। तो बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट में पहुंच चुके हैं दोस्तों, धौलाधार भी बहुत ही अच्छे से दिख रहा है यहाँ से, लास्ट अप्रोचिंग में है ये, बिल्कुल ही लास्ट अप्रोचिंग में, बहुत जल्दी लैंड करने वाले हैं। फर्स्ट लैंडिंग शिवजीत ने कर ली है, बहुत अच्छे, नाइस, गुड लैंडिंग। और मिस्टर यशु इंडियन फ्लैग के साथ बहुत ही अच्छा लैंड किया है यशु ने भी। दोनों पायलट्स ने सक्सेसफुली HPCA के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लैंड कर दिया है, और बहुत ही अच्छा, ये गुड, बहुत ही सही लैंड किया उन्होंने दोनों के पैराग्लाइडर्स HPCA के ग्राउंड के बीच में। नाइस, तो आपको मैंने प्रॉपरली लैंडिंग दिखा दिया दोस्तों पैराग्लाइडर्स की। तो आज की इस वीडियो के साथ ही आज का ब्लॉग इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते, ताकि मैं और भी आपको पैराग्लाइडिंग की अच्छी वीडियो दिखाता रहूँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।